नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले में वडाली तालुका के कांग्रेस कमेटी द्वारा ममलतदार साहब के कार्यालय में उपयुक्त मांगों के साथ एक आवेदन पत्र सौंपा गया है। आपको बता दें, वडाली तालुका में भारी बारिश के बाद खेतों में बाढ़ आने से बीज को काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, वही फसलें भी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान काफी परेशान हो गए हैं। साबरकांठा जिले की वडाली कांग्रेस कमेटी ममलतदार साहब के कार्यालय में उपयुक्त मांगों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया। वडाली तालुका के सभी गांवों में भारी बारिश के साथ साथ खेतों में बाढ़ के कारण बीज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ क्षेत्रों में फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कपास, सोयाबीन, दिवाली, मूंगफली आदि की बहुत अधिक हानि हुई है। फसलें सूख गई है, सभी फसलें बारिश के कारण विफल हो गई है। फिर भी कृषि विभाग द्वारा तालुका में किसी भी नेता या किसानों को रखे बिना खेत पर कागज पर गलत सर्वेक्षण किया गया है। कृषि दल के अधिकारियों ने अधिकारियों को सूचित किया है कि कपास के बीज जो बोए गए हैं उन्हें अवैध रूप से बोया गया है, ताकि जो लोग मुआवजे के लिए पात्र नहीं है, और वडाली तालुका के कृषि अधिकारियों ने किसानों को डर दिखाते हुए नुकसान की मांग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि सरकार को किसानों को मुआवजा नहीं देना है और सरकार ने इस पर गौर करने के लिए वर्ग नंबर एक, वर्ग टू कृषि अधिकारियों को नियुक्त किया है। फिर भी किसानों को नकली बीज दवाओं की बिक्री से धोखा दिया जाता है और किसानों को मंगा बीज दवा के साथ सफलता नहीं मिलती है। वर्तमान में कांग्रेस कमेटी ने आवेदन पत्र में स्पष्ट दावा किया है कि मिलीभगत के कारण कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को धोखा दिया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। किसान को नकली बीज दवा द्वारा धोखा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। सहाय ना मळा एवी सरकारनी सूचना छे, एटले अधिकारीओ खेडूतोने साचो न्याय नथी आपता, एटले वडाली तालुका कोंग्रेस સહિતના રાજ્ય આવેદન પત્ર આપેલું છે, એટલે સરકાર સીમો રજૂઆત કરી ખેડૂતોને વળતર મળે અને નકલી બિયારણોને જંતુનાશક દવાઓને ભેટ લાગે એ માટે આજે વડાલી કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આવેદન પત્ર આપ્યું છે। એમાં અમારા આગેવાન શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ બાપુ, રામભાઈ ડાયાભાઈ અમારું સાથા અને તમામ વડાલી તાલુકા કોંગ્રેસ પરિવાર તરફથી આવેદન પત્ર આપ્યું છે, તો અમારી માગણી સરકાર સહીમાં પહોંચાડી। અમારી એક બીજી બી માગણી છે કે આ વિસ્તારના નીચાણ